हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को मेमो प्ले 99% पे अटक जाने पर या स्टार्ट ना होने पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। तो आपका भी मन होगा कि आपके पीसी पर एंड्रॉयड गेम्स और ऐप्स यूज करें तो आप ये मेमो प्ले इमुलेटर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पीसी और लैपटॉप पे ये अटक जाता है या स्टार्ट ना हो तो ये इसको कैसे सॉल्व करें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरे पास तो ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन कभी कभी मेरा भी ये स्टार्ट नहीं होता है और अटक जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व करें। तो मैं ये बंद कर देता हूँ। तो आपने याद किया होगा कि आप मेमो प्ले इमुलेटर इंस्टॉल करने के वक्त आपके डेस्कटॉप पे ये दो आइकन्स दिखाए जाता है, एक मेमो ये इमुलेटर का ऐप है और दूसरा मल्टी मेमो। तो आपका मेमो प्ले इमुलेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, मल्टी मेमो को ओपन करना है। तो आप मल्टी मेमो स्टार्ट करने के बाद आपको इधर नीचे देखना पड़ेगा, इधर न्यू लिखा है, इधर आप देख सकते हैं न्यू। आपको न्यू प्ले न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाता है कि ये इमुलेटर आप कौन सी वर्जन पे इंस्टॉल कर सकते हो या कौन सी वर्जन पे आपका इंस्टॉल है। अभी तो आपका इंस्टॉल होगा लेटेस्ट वर्जन, दैट इज एंड्रॉयड 7.1 इंस्टॉल हो जाता है। आप मेमो प्ले इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करें तो आपका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाता है। और ये लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है, ये बहुत सारे हार्डवेयर यूज करता है आपका लैपटॉप और पीसी का, तभी आपका पीसी और लैपटॉप पे ये इमुलेटर ओपन होने में बहुत टाइम लगता है और 99% पे अटक भी जाता है। तो आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और आपको एंड्रॉयड 5.1 और 4.4 आपको इंस्टॉल करना है। ये क्या कर लेता है कि आपका ये न्यू इमुलेटर डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल कर लेगा, वो भी उससे प्रीवियस वर्जन की एंड्रॉयड पे आपका इंस्टॉल होगा। और ये बहुत थोड़ा हार्डवेयर यूज करता है आपका पीसी लैपटॉप का। तो आपको क्या करना है, आपको पहले 5.1 वर्जन का इंस्टॉल करना है। आपको इसे सेलेक्ट करना है और इधर देख सकते हैं डाउनलोडिंग एंड्रॉयड 5.1 फ्रॉम इंटरनेट, प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट। तो आप ओके कर सकते हैं और ये डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल होगा अपने आप और स्टार्ट भी होगा। और आपको ट्राई करना है, अगर ये भी आपका अटक जाता है और स्टार्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको इधर इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, आपको न्यू पे जाना है और उससे भी प्रीवियस वर्जन 4.4 मेंटेनेंस वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। आप ये देख सकते हैं ये दोनों ही आपको डाउनलोड करके ट्राई करना है। अगर ये दोनों ही स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, न्यू पे जाना और बेस्ट एडवांस क्रिएट, इधर आप नीचे देख सकते हो न्यू पर बेस्ट एडवांस्ड है और बेस्ट एडवांस क्रिएट पर क्लिक करना है। और आप इधर देख सकते हो आप कौन सी वर्जन इंस्टॉल करना है, आपको 4.4 5.1 इन दोनों में आपको कोई भी एक ट्राई करना है। और आपको रिजोल्यूशन फ़ोन पे रखना है, अगर आप रिजोल्यूशन कम रखोगे तो ये कम DPI यूज करता है और कम हार्डवेयर यूज़ करता है। रेंडर मोड को डायरेक्ट एक्स पे ही रखना है। और अगर आपके पास आपके लैपटॉप और पीसी में डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल नहीं है तो आपको ब्राउज़र से डायरेक्ट एक्स की वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्ट एक्स सर्च करना है और आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड डायरेक्ट एक्स इन यूजर रन टाइम। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले और उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्स सेलेक्ट करना और न्यू पे क्लिक करना और इधर देख सकते हैं एंड्रॉयड 5.0 फ्रॉम इंटरनेट प्लीज़, और आपको ओके करना है और इंस्टॉल करना है। आपको ये सब ट्राई करना है, अगर उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हो। अगर ये काम कर गया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो आपका सॉल्व हो गया तो मुझे कमेंट में बताना और सॉल्व नहीं हो रहा है तो भी मुझे कमेंट में लिखना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कहाँ पे अटक रहा है, मुझे ज़रूर लिखिए। तो मैं और दूसरा सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।